क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं, लेकिन ईयर 1940 में वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही मौत के हवाले कर दिए गए थे कैदी? आज की इस वीडियो में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जिसने इंसान को दरिंदा बनाने पर मजबूर कर दिया था। साल 2009 में क्रीपी पास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सभी को हिला कर रख दिया। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत यूनियन द्वारा अपने कैदियों पर किए गए एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। हालांकि पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इस आर्टिकल की सत्यता पर भी अभी संदेह बना हुआ है। 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई थी कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहाँ उन्हें खाने पीने पढ़ने और हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन-वे मिरर भी लगाए गए थे। कैदियों को नींद ना आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रख सके। कुछ शुरुआती दिनों तक सब कुछ तो ठीक रहा। कैदी आपस में बात करते थे, साइंटिस्ट उनकी बातें रिकॉर्ड करते और एक कांच के जरिए उन पर नज़र बनाए हुए थे। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीता हालात बिगड़ने लगे। पहले हफ्ते के अंत तक सारे कैदियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वे बैठे बैठे कुछ बुदबुदाते रहते। 11वें दिन अचानक इनमें से एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और पूरे 3 घंटे तक चैम्बर में दौड़ता रहा। वो इतनी तेज़ चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड लगभग फट गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि बाकी कैदियों को इससे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही ख़त्म करने का फ़ैसला किया। 15वें दिन जिन कैदियों को सोने से रोकने के लिए जो गैस दी जाती थी वो बंद कर दी गई। लेकिन तभी सब चीखने लगे कि हमें आज़ाद मत करो, हम बाहर नहीं आना चाहते। जैसे ही गैस बंद की गई कमरे में मौजूद 5 में से 1 कैदी की मौत हो गई। जब बाकियों को देखा तो वे दंग रह गए। उनके शरीर के कई अंगों से मांस गायब हो गया तो कई हड्डियां बाहर निकल गई। ऐसा लगा मानो कि वे एक दूसरे का मांस खाने लगे थे। बाकी बचे 4 कैदियों ने बाहर आने से मना कर दिया। वे बेहद आक्रामक हो गए थे। वे अपने हाथ पैर के मांस को खाने लगे थे। जब कैदियों से पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो सबने एक साथ जवाब दिया, हमें जागे रहना होगा। रिसर्चर्स को लगा कि उन पर भूत प्रेत का साया लग गया है। साइंटिस्ट ने इन कैदियों को चैम्बर से बाहर निकालने का फैसला लिया और इसके लिए सैनिकों को बुलाया। इस दौरान कई सैनिकों की मौत हो गई क्योंकि ये लोग बाहर नहीं आना चाहते थे, और जब सैनिक इन्हें पकड़ कर लाने लगे तो उन्होंने उन्हें मार डाला। हालांकि बाद में इन्हें बाहर लाया गया और रिसर्च सेंटर में ही इनका इलाज किया गया। इन लोगों के इलाज के बाद सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि इनका क्या किया जाए, क्योंकि सभी वापस उसी चैम्बर में ना सोने देने वाली गैस में जाना चाहते थे। कैदियों की दिल दहला देने वाली हरकतें और उनकी हालात को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें मार देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टीम के कमांडर से बात की।
लेकिन कमांडर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसने कहा कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहिए। हालांकि उसके बाद एक डॉक्टर फ्रस्ट्रेट होकर बचे हुए कैदी पर अपनी बंदूक की ओर इशारा किया और बोला कि बताओ तुम हो कौन, क्या तुम पोजेस्ड हो, गैस ने किया क्या है तुम्हें, क्या चाहते हो। उसके बाद वो हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि हम कौन हैं। मैं तुम हूँ, हम तुम्हारे अंदर का शैतान हैं जो कि हमेशा बाहर आते हैं, जो कि हमेशा हर एक इंसान के अंदर होते हैं। हम वही हैं जिसे तुम रात को अंधेरे में फील करते हो, हम वही हैं जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा रहते हैं, बस निकलने का इंतज़ार करते हैं। हम वही हैं जिसे तुम रात के अंदर हमेशा हर एक इंसान आते हैं, जो कि हमेशा हर एक इंसान तुम रात के अंधेरे में फील करते हो। उसके बाद वो डॉक्टर उसे गोली मार देता है चेस्ट में और वो सारे सबूत मिटा देता है और यही इस ड्रेडफुल एक्सपेरिमेंट का एंड होता है। अब यह कहानी सच है या मनगढ़ंत इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन साल 2009 में इसे ऑरेंज सोडा नाम के एक यूज़र ने क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट पर पोस्ट किया था। हालांकि ये ऑरेंज सोडा कौन है इस बारे में आज तक नहीं पता चल सका। कुछ लोग तो इस कहानी को सच ही मानते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापान और चाइना जैसे देशों में इंसान पर कई खतरनाक प्रयोग भी किए जा चुके थे।